तेरी मम्मी तेरे पापा तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा तेरी नानी तेरी जमुना नगर वाली मम्मी सबको भेज देना भंडारा है चाट चाट के खाते हैं वो दिल भी कितना पागल है ये प्यार हिला के तिन पग वाली है पीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे हाँ ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं इसलिए तो मशहूर हूँ मैं खाना सही समय रात है भरता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये हाँ ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं इसलिए तो मशहूर हूँ मैं खाना सही समय एक बात कहूँ हाँ बोलो जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए और उसको हमारे प्यार की कदर ना हो तो क्या करना चाहिए तब उसे उसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए ठीक है अपना ख्याल रखना किसी के अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ जिंदगी में किसी के अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए याद रखो बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है बेबी आज तो मैं बहुत तेज बाइक चलाऊंगा यार तुम धीरे बाइक चलाया करो मुझे बहुत डर लगता है बेबी तुम्हें डर लगता है ना तो तुम भी मेरी तरह आग बंद कर लेना मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा लिखो कब आओगे एक्सक्यूज मी मेरे को आपका 2 मिनट मोबाइल मिलेगा मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया अर्जेंट कॉल करना हेलो हाँ चुड़ैल अबे उठा लिया तूने मेरा फोन नहीं मेरे नंबर से तो तू फोन ही नहीं उठा रही थी नहीं मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है अब मैंने तो नई गर्लफ्रेंड बना ली उसी के साथ खड़ा हूँ मैं ये आपका नंबर दो मेरे को अब आप मेरी नई गर्लफ्रेंड बने हो ना अरे तो मैंने आपके चक्कर में उससे ब्रेकअप कर लिया तेरी मम्मी तेरे पापा तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा तेरी नानी तेरी जमुना नगर वाली मम्मी सबको भेज देना भंडारा है चाट चाट के खाते हैं वो बेबी पता है मेरे मोहल्ले वाले मुझे क्या बोलते हैं भूरी कुतिया क्या कह दिया ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल माइकल जैक्सन अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा तुझे पता है मुझे कितने दूर दूर से रिश्ते आ रहे हाँ नजदीक वाला वो पहले काट चुकी है क्या कह दिया आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई अबे तकलीफ किस बात की चाकू पे बैठ के आया हूँ क्या अबे मेरा कहने का मतलब है कोई परेशानी तो नहीं हुई परेशानी काहे की मैं क्या रेलगाड़ी को धक्का मारता हुआ आया हूँ मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है इस महीने उस लड़की का विवाह है भाई तुझे पता है अगर पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे करता हूँ तो वो मेरे भाई तू है मेरे भाई ऐसा क्यों यार वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा वफादार जानवर कुत्ता ही होता है जोर का झटका भाई 10 रुपए देना सिगरेट पीने के लिए नहीं है भाई भाई 10 रुपए देना बिस्किट खाने के लिए 1 मिनट मेरे लिए 10 रुपए नहीं थे भाई तू सिगरेट के लिए मांग रहा था और मैं तेरा दोस्त हूँ मैं तुझे मरते हुए कैसे देख सकता हूँ आपको मैं कैसा लगता हूँ गली के कुत्ते जैसा यार तुम मुझे छोड़ के जा रही हो किस लिए तुमसे अच्छा मिल गया होगा इसलिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता चाहिए साथ में चल तो रहा है और बताओ बेबी क्या चल रहा है साथ में चल रही है वो भी बंद कर दे
तू। हम तो छुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोचा करते हैं। दिल भी कितना पागल है ये प्यार हिला के तेने